हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। सो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, लेट्स सी। शो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज़, एंड आपको ये भी पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस आप कैसे निकालते हैं, राइट? सो यहाँ पर हम डायरेक्शन रेशियोज़, डायरेक्शन कोसाइंस का यूज़ करते हुए बेसिकली यहाँ पर इसके साथ साथ ऐड ऑन कर रही हूँ मैं टॉपिक डायरेक्शन एंगल्स, राइट? सो यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस के साथ साथ आपके पास डायरेक्शन एंगल्स भी होते हैं। सो सपोज़ अगर आपके पास ये वेक्टर है, सपोज़ i प्लस जे प्लस के। सो आपको पता है कि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज़ क्या है। डेफिनेटली डायरेक्शन रेशियोज़ की वैल्यू आपको पता है, एंड उसी की हेल्प के साथ आपकी वैल्यूज़ आती हैं l, m एंड n, जिन्हें आप बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, राइट? सो l, m, n आपको, सपोज़ मैं l की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर क्या होगी, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, जो कि वैल्यू आएगी नीचे √3। तो ये जो पूरी एक वैल्यू है डायरेक्शन रेशियो यहाँ का 1, उसके नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कंप्लीट वेक्टर, दैट मीन्स √3। सो l एक ये वैल्यू आ जाती है, ऐसे ही m, ऐसे ही n, राइट? सो आपने l, m, n के बारे में तो पढ़ा है, तो ठीक है, ये तो हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। तो इन्हीं के अकॉर्डिंगली डायरेक्शन एंगल्स भी होते हैं, तो आइए उसी पे फोकस करते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी, डेफिनेशन अगर आपको पता होगी उसके बारे में, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली एंड फटाफट कर पाएंगे, राइट? लेट्स सी। सो दिस इज़ डायरेक्शन एंगल्स। एल, एम, एन सबको पता है डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं ऑफ अ वेक्टर, राइट? सो नाउ देन, सपोज दिस इज़ एल, एम, एन। अब मैंने यहाँ पर क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि जो भी हमें अभी क्वेश्चन में गिवन वेक्टर है उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूनिट वेक्टर। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ यूनिट वेक्टर, ठीक है? सो हम यूनिट वेक्टर की वैल्यू आपको एग्जैक्टली एल, एम, एन के इक्वल मिलने वाली है, जो कि होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है? जो भी हमें क्वेश्चन में वेक्टर गिवन है उसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर आपके किसके इक्वल आएंगे, एग्जैक्टली एल, एम, एन के इक्वल आने वाले हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, वो डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है? सो दिस इज एग्जैक्टली इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट गिवन वेक्टर ओनली, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपको लिख दिया है। तो लेकिन इनके होते हैं डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है? ये जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं इनके डायरेक्शन एंगल्स भी होते हैं। तो दैट मीन्स ये वैल्यू आप किसके इक्वल लिख सकते हो, ये नोट कर सकते हो आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको ये नोट करवा रही हूँ, तो ये आपको नोट करना है। सो एल की वैल्यू, एल आई किसके इक्वल हो सकता है, कॉस अल्फा आई, वेयर एम जे इज इक्वल्स टू कॉस बीटा जे, वेयर एन के इज इक्वल्स टू के, ठीक है? सो एल की वैल्यू किसके इक्वल है, किस एंगल के इक्वल रख सकते हैं, कॉस अल्फा। ऐसे ही एम डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू इसके इक्वल, ऐसे ही इसकी इसके इक्वल। सो वेयर अल्फा बीटा आर व्हाट आर डायरेक्शन एंगल्स, जिनकी मैं बात कर रही थी। सो ये क्या है, वेयर अल्फा बीटा आर द डायरेक्शन एंगल्स विच द वेक्टर मेक्स विद एक्स, वाई, जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। एंड जो भी आपको शो करना है कि वो आपके ओ एक्स, ओ जेड एंड ओ वाई इक्वली इंक्लाइंड होंगे उन एक्सेस के, वो एग्जैक्टली इसी तरह से आपका डायग्राम बनेगा, ठीक है? सो दिस इज सपोज ओ, सो वहाँ पर ओ एक्स के साथ यहाँ पे आपके पास ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड, ये आपके पास 3 एक्सेस हैं, ठीक है? नेमिंगली एक्स, वाई, जेड। तो इनके अकॉर्डिंगली इनके यहाँ पे जो एंगल्स बनाएंगे, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, सो ये जो आपके बनाएंगे वो जो एंगल्स होंगे, डायरेक्शन एंगल्स होंगे, वो इन 3 एक्सेस के अकॉर्डिंगली एंगल बनाएंगे। एंड वही आपको क्वेश्चन में शो करना है कि वो जो एंगल्स बनेंगे वो इक्वली इंक्लाइंड होने चाहिए। दैट मीन्स उन एंगल्स की वैल्यू जो आपको शो करनी है क्वेश्चन नंबर 14 में, वो इक्वल आने चाहिए। सो आई गेस आपने ये नोट कर लिया है। अगर आपने नोट नहीं भी किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मैंने इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से PDF लिंक डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्लियरली नोट कर सकते हैं ऑल दी नोट्स। ठीक है, सो यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन एंगल्स के बारे में मैंने आपको कंप्लीट टॉपिक बताया है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14 को हम इसी तरह से कैसे सॉल्व करेंगे। सो प्रोसेस बस यही रहेगा कि आपको क्या करना है, जो भी गिवन वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, बिकॉज आप उस यूनिट वेक्टर की वैल्यू देखेंगे कि उनके पास जो LMN जो हमारे डायरेक्शन को साइंस हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज़ की वैल्यू एग्जैक्टली इस LMNJ के इक्वल ही आएगी। ठीक है, सो आप इस LMN की वैल्यू इस तरह से रख पाएंगे और जो इसकी वैल्यू आप किसके इक्वल रख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा I कॉस बीटा J प्लस कॉस गामा K। ठीक है, सो वो भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर ही कहलाया जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ दैट गिवन वेक्टर। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी। सो जैसे कि हमें ये वेक्टर गिवन है, सो मैं इसका एक नेम दे देती हूँ। सो इसकी वैल्यू है I प्लस J प्लस K। सो सबसे पहले अब क्या करना है, स्टेप आपका यही रहेगा कि आपका जो गिवन वेक्टर है उसका आप यूनिट वेक्टर निकालें। सो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि आ रही है एग्जैक्टली √3। ठीक है, सो यूनिट वेक्टर वैल्यू क्या होगी आपकी, लाइक दिस। ठीक है, सो आपके पास A वेक्टर जो है उसको ऊपर रखेंगे डिवाइड बाय दिस मैग्नीट्यूड वैल्यू, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/√3 I प्लस 1/√3 J प्लस 1/√3 K। तो ये वैल्यू आ चुकी है। तो एग्जैक्टली जब आपके पास ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि ये जो वैल्यू आ रही है ये आपकी एग्जैक्टली LMN, अगर आप इस वेक्टर का डायरेक्ट डायरेक्शन को साइंस निकालते तो उसकी वैल्यू भी यही आती। सो इसका डायरेक्शन रेशो क्या है, 1, यहाँ का भी 1, यहाँ का भी 1। सो पहली L की वैल्यू क्या आती, डेफिनेटली डायरेक्शन रेशो को ऊपर रखा जाता है और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके नीचे आ जाता है, दैट मीन्स √3। सो देख रहे हैं कि आपकी L की वैल्यू क्या आ रही है, ये। ऐसे ही M की वैल्यू भी यही आ रही है, ऐसे ही N की वैल्यू भी आपकी क्या आ रही है, 1/√3। और ऐसे ही आप ये देख रहे हैं ये आ रही है एग्जैक्टली। सो ये जो है यूनिट वैक्टर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप इसको, जो कि एग्जैक्टली ये LMN के इक्वली आ रही थी आपकी भी वैल्यू, जो भी आपने यूनिट वेक्टर निकाला है ना, तो ये वैल्यू आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके इक्वल, वेयर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा की जो वैल्यू है, वेयर इन सब की जो वैल्यू है वो कैसे है, एक डायरेक्शन एंगल्स कह रहे हैं हम उनको, राइट, डायरेक्शन को साइंस के डायरेक्शन एंगल्स के इक्वल रख रहे हैं, दैट्स इट, वेयर अल्फा बीटा एंड ऑल दीज एंगल्स आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, तो बस हमें इन्हीं डायरेक्शन एंगल्स की वैल्यू को इक्वली इंक्लाइंड, मतलब इन सब की एंगल्स की वैल्यू मुझे इक्वली शो करनी है, सारे एंगल्स की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए इन द एंड ऑफ द आंसर। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप मैं क्या लिख रही हूँ, LI प्लस MJ प्लस NK। आई कैन राइट दिस इक्वल्स टू एग्जैक्टली दिस, क्योंकि LMN की वैल्यू भी इक्वल यही आ रही है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी देखेंगे आप एग्जैक्टली 1/√3 1/√3 1/√3 आ रही है। तो एग्जैक्टली आप इनको क्या कह रहे हैं, LMN। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ एग्जैक्टली आपने जो यूनिट वेक्टर एज अ यूनिट वेक्टर निकाला है वो इसके इक्वल अब आप रख सकते हैं। सो अल्टीमेटली आपकी L की वैल्यू क्या हुई, 1/√3, M की वैल्यू क्या हुई, 1/√3, और इसकी वैल्यू भी क्या हुई, 1/√3। सो अल्टीमेटली कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल लिख सकती हूँ, 1/√3। सो यहाँ पे अल्फ़ा है और कॉस को अगर मैं उधर शिफ्ट करती हूँ तो मेरे पास अल्फ़ा एंगल की वैल्यू आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। तो मैंने पहला एंगल की जो डायरेक्शन एंगल है उसकी वैल्यू निकाल ली है, जो कि ये आ रही है। तो ऐसे ही M की वैल्यू इसके इक्वल रखेंगे, सो वो भी क्या है, कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, क्योंकि M की वैल्यू भी क्या है, 1/√3 ही तो है। सो यहाँ से बीटा एंगल की वैल्यू भी कॉस इनवर्स 1/√3, एंड ऐसे ही इस एंगल की वैल्यू भी एग्जैक्टली आपको क्या मिलेगी, कॉस इनवर्स 1/√ थ्री। सो देख रहे हैं आपके थ्री एंगल्स जो है वो किसके इक्वल हैं, एग्जैक्टली एक ही वैल्यू के इक्वल हैं। तो इससे प्रूव होता है कि येस यू हैड शोन दैट इक्वली इनक्लाइंड टू द एक्सेस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड एंड डोंट फॉरगेट टू मेक द डायग्राम एग्जैक्टली लाइक दिस। सो ये आपका डायग्राम एग्जैक्टली इस तरह से बनेगा, ठीक है।